हाय किड्स, अभी देखो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था ना टेस्ट में दिसंबर में, उसका आंसर देखते हैं। उसके आंसर्स क्या क्या हैं, ठीक है? ये क्या क्वेश्चन है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले देखिए, आपके पास 28z फिर 27y फिर 26x। अब देखिए इसमें हमको क्या देखना है, 28, 27, 26, अब क्या आने वाला है, 25 और 24। अब देखिए जेड वाई एक्स, एक्स से पहले क्या आता है, डब्ल्यू और वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये इसका आंसर है। फिर देखिए ये फाइव की टेबल है, फाइव वन जो फाइव, फाइव टू जर टेन, फाइव थ्री जर फिफ्टीन, फाइव फोर जर ट्वेंटी एंड फाइव फाइव जर 25। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हल कीजिए, 96 डिवाइडेड बाई 8, इसका मतलब है कि आपको 8 से भाग देना है 96 में। 8 वन जो 8, 1 16 और 8 टू जो 16, ओके। अब देखिए 9 डिवाइडेड बाई 108, मैंने आपको बताया कि हमेशा जो ये वाली जो साइड होती है इससे भाग देना होता है, तो अब हमको भाग देना है 108 से देना है भाग हमको, किसमें, 9 में, ओके। अब देखिए आपको करना क्या है, 108 से 9 में तो भाग जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे जीरो बढ़ाओगे, जीरो बढ़ाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दशमलव। अभी भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ेगा और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ेगा। अब देखिए कितने बार जाएगा, 19 9 होता है, 9 8 72 और 9 1 9, इसका मतलब 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, 8 8 64 एंड 8 1 8, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3 और 36 हो गया हमारा रिमाइंडर, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि सोनिया के पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वह 21 दिन से स्कूल नहीं गई है, बताइए वह कितने हफ्तों में स्कूल नहीं गई, कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई। अब देखिए एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 21 डेज में कितने वीक्स हो जाएंगे, 3 वीक्स, सिंपल है, 7 से हम 21 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। तो कितने वीक्स से स्कूल नहीं गई है, वो 3 वीक्स से वो स्कूल नहीं गई है, ओके। अब देखिए यदि जंप को 10 21 13 16 लिखा जाता है तो पंप को क्या लिखा जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि कैसे इनकी कोडिंग होती है। अब देखिए जब हम ए बी सी डी बोलते हैं तो जे कहाँ पर आता है, देखिए ए बी सी डी हम इनको पूरा लिख लेंगे, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यहीं तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, हम आगे हमको ज़रूरत नहीं है इसलिए हम लिखने ही रहे, लेकिन आप पूरा भी लिख सकते हैं। अब देखिए जे को हमने क्या लिखा था, यहाँ पर देखो जे को 10 लिखा, U को हमने लिखा 21, देखिए U की भी हमको ज़रूरत पड़ रही है, S T U V W, 19, 20, 21, 22 और 23, U को 21, M को 13, देखिए M को 13 और P को लिखा हमने 16, ओके। अब देखिए जैसे जंप को हमने ये लिखा था, पंप को क्या लिखेंगे, देखिए P को हम 16 लिखेंगे, यहाँ पे पंप को लिखेंगे हम 16, और U को हम क्या लिखेंगे, फिर से देखिए 21, M को क्या लिखेंगे 13 और P को क्या लिखेंगे फिर से 16। अगर आप नहीं भी लिखते तो ये जितने भी सारे कोड्स थे, ये सारे कोड्स यहाँ पर भी अवेलेबल थे, देखिए क्या आया, P U M P आया है, तो P इसमें पहले से आया था, U भी इसमें आया था, M भी आया था, J ही सिर्फ इसमें नहीं आया था, तो 10 हमको कैसे भी छोड़ देना था और इससे भी कर सकते थे, ओके। और अब आपको 5 का टेबल लिखना है, तो सिंपल ही है, तो सबको ही आता है 5 का टेबल लिखना, ओके, ठीक है, ऑलराइट।